अफगानिस्तान के काबुल में तालिबानी आतंकवादियों के खौफ और उनकी गोलियों के सामने लोग हर पल जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तालिबानी आतंकी एयरपोर्ट पर आने जाने वाले हर शख्स हर महिला पर गिद्ध जैसी नजर रखे हुए हैं, लेकिन कुछ महिलाओं ने काबुल में ऐसा सीक्रेट मिशन चलाया कि तालिबानी आतंकी देखते रह गए। एक विदेशी एनजीओ ने लाल रंग वाले आईडी को ऐसे आजमाया कि तालिबानी आतंकवादियों की नजरें 150 लोगों को पहचान नहीं पाई और वो सब सकुशल वहां से निकल गए। काबुल एयरपोर्ट इन दिनों सुर्खियों में है। टीवी का पर्दा हो या फिर अखबारों की हेडलाइन, हर जगह बस इसी नाम के इर्द गिर्द खबरों का सारा संसार बसा हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर होने वाली हर एक हरकत पर इन दिनों मीडिया के कैमरों की नजर है, फिर चाहे वो दूसरे देशों के नागरिक हों या फिर अपने ही देश के मौजूदा हालात से डरकर वहां से भाग जाने को बेताब हुजूम। काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले हर कदम किसी भी सूरत में अफगानिस्तान के मौजूदा हालात से दूर भाग जाना चाहते हैं और इत्तेफाक से ये गरज सभी की है। लिहाजा काबुल एयरपोर्ट पर पिछले 7 दिनों के दौरान कई बार भगदड़ और अफरा तफरी जैसे हालात पैदा हुए, जिसने कई जिंदगियों को भीड़ के कदमों तले रौंद डाला। इसी बीच काबुल एयरपोर्ट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये तस्वीर थी महिलाओं की कलाइयों में बंधे लाल रुमाल की। काबुल एयरपोर्ट पे अचानक लाल रुमाल वाली कलाइयां देखकर अनेक तरीके का सवाल उठने लगा, लोग अनेक कयास भी लगाने लगे। हैरानी की बात तो ये है कि जिन अफगानी औरतों का तालिबान की वजह से घर से निकलना दुश्वार हो गया था, वो औरतें भी बुरके के अंदर कलाइयों पर लाल रुमाल बांधने लगी। तो क्या ये अनोखा फैशन तालिबान को ठेंगा दिखाने के लिए अपनाया गया था या इसके पीछे राज कुछ और था? राज जो भी हो, सुकून देने वाला है। दरअसल कलाइयों में लाल रुमाल बांधने वाली अफगानिस्तानी महिलाएं इटली की एक एनजीओ से ताल्लुक रखती हैं। ये महिलाएं अफगानिस्तान में रहते हुए इटली के गैर सरकारी संगठन के लिए काम कर रही थी और जब अफगानिस्तान में हालात बेकाबू हो गए और अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए जीने मरने की नौबत आ गई तो इन महिलाओं को भी काबुल छोड़ने की जरूरत पड़ गई। E dopo ore e ore nella fila sono scappate via. Una di queste, che è poi questa famosa Mina, che è girato un po' il video sui social, comunque in TV, mi ha inviato un messaggio dicendo: Olivia, I was about to die, stavo morendo. E lei era rimasta schiacciata ed è stata poi salvata, o comunque persone l'hanno supportata per farla uscire dalla resta. E lei era veramente distrutta, era veramente traumatizzata e non voleva tornare. इस तरह के बिगड़े हालात से निपटने के लिए तब एनजीओ ने एक तरीका निकाला ताकि एनजीओ के लिए काम करने वाली अफगानिस्तान की महिलाओं को सुरक्षित एयरपोर्ट तक ले जाया जा सके और उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर भी निकाला जा सके। अफगानिस्तान एयरपोर्ट पे हुए भयानक भगदड़ के बाद वहां काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों ने अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रखने और फिर वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक तरकीब निकाली और लाल रुमाल को दे दिया गया इमरजेंसी प्रोटोकॉल का दर्जा। सबसे पहले इटली के एक गैर सरकारी संगठन ने अपने स्टाफ, खास तौर से महिला स्टाफ के हाथों में लाल रुमाल की निशानी दे दी। इसका मतलब साफ था, एयरपोर्ट पे जो भी अधिकारी तैनात है वो जिनके हाथों में लाल रुमाल देखेगा उन्हें बिना रोक टोक के हवाई जहाज तक जाने की इजाज़त दे देगा। एनजीओ के रिकॉर्ड के मुताबिक अफगानिस्तान में काम करने वाली महिलाओं ने तालिबान के काबिज होने के बाद वहां से लोगों को सुरक्षित निकालने में बड़ी अहम भूमिका अदा की है। एनजीओ का रिकॉर्ड बताता है कि महिला स्टाफ ने करीब 150 से ज्यादा लोगों को तालिबान के चंगुल से बचाया है। इतना ही नहीं, इस संगठन ने अपने स्टाफ की सुरक्षा के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें द्विभाषियों को भी शामिल किया गया ताकि तालिबान के चेक पॉइंट्स पर नजर रखकर एयरपोर्ट के गेट तक अपनी पहुंच आसानी से बनाई जा सके। Si è stabilito un giorno e un orario con le autorità, quindi un luogo anche, e si è pensato quale può essere un metodo di riconoscimento, abbiamo pensato al fazzoletto rosso. इटली के इस ग्रुप ने हैशटैग सेफ अफगान वुमेन के नाम से सोशल मीडिया पर एक अभियान भी चलाया और उसके तहत सैकड़ों महिलाओं को काबुल एयरपोर्ट से सुरक्षित बाहर पहुंचाया जा चुका है। यहां से बचकर इटली के रोम पहुंचने वाली अफगान महिलाओं में वो सोशल वर्कर भी शामिल हैं जो भगदड़ में बुरी तरह जख्मी हो गई थी। नवजोत सिंह